सुनो, ऑफिस जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? आज ऑफिस में काम ज्यादा है, लौटने में रात हो जाएगी। ठीक है फिर, वो आज पड़ोसन का जन्मदिन था तो उन्होंने शाम को घर पे खाने के लिए बुलाया था। हेलो सर, आज घर में काम ज्यादा है तो ऑफिस आने में रात हो जाएगी। अरे यार तुम रहने दो, बस तुम्हें हमेशा अपने रिश्तेदारों की पड़ी रहती है, मेरे रिश्तेदारों की कभी कदर नहीं करती। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की कदर नहीं करती? हाँ, अपनी सास को छोड़कर तुम्हारी सास को शॉपिंग पर लेकर गई मैं, अपने ससुर को छोड़कर तुम्हारे ससुर को नया फोन दिलवाया मैंने। कल तुम्हारे साले ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे लेकिन मैंने उसे 20,000 रुपए ट्रांसफर किए ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो। सॉरी बेबी, वो गुस्से में मुंह से निकल गया। अरे इतनों के बहु है तो होती खराब है। ऐसा नहीं है ना, आप बहुत अच्छे हो। I'm sorry मुझे। एक मैं ही हूँ जिसने तुम्हें और तुम्हारे घर को संभाल रखा है। पता, मेरी सारी फ्रेंड्स, उनके हस्बैंड, सुने महंगे महंगे गिफ्ट्स, नए नए कपड़े और वेकेशंस, पता नहीं क्या क्या देते हैं, और एक तुम हो। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी को ना पूरा दिन कोसते रहते हैं, कंपनी को भर भर के गालियां देते हैं। देख कमियां निकालेंगे, इसमें कमियां निकालेंगे, बॉस को गालियां देंगे। मतलब जो कंपनी उनका घर पाल रही है, पेट पाल रही है, उसी को गालियां देते हैं। इतनी गालियां, इतनी बुराइयां कि गंदी नाली का बदबू होती है ना, उससे भी ज्यादा बदबू फैल जाती है उनकी। मैं कहता हूँ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यहां से, निकलो भाई, करना क्या है तुम्हें। लेकिन नहीं निकलते, नहीं निकलते। पता क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि सालों को पता है ये जो ऐस कट रही है, ये अय्यासी कट रही है, वो यहीं इसी कंपनी में इसी बॉस के साथ कट सकती है। बाहर तो औकात पता चल जाएगी, बाहर निकलेंगे जैसे ही। समझ रही हो? तू समझा? हाँ। नहीं, एक मिनट, तू समझा नहीं। तुम्हारी इस बात का मेरी बात से क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो तुम? इस बात का मतलब तुम्हें रिलेट करोगी, तुम कमेंट बॉक्स में पढ़ना, कमेंट में समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? कमेंट। हे भगवान, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अरे एक लड़की रॉन्ग साइड से स्कूटी से ठोक के निकल गई। तुमने उसकी स्कूटी का नंबर तो नोट किया होगा? कौन थी, कहां से आई, कुछ तो याद होगा? अब दर्द के चलते मैं उसकी स्कूटी का नंबर तो नहीं देख पाया, पर मैं उसे देखूंगा तो पहचान लूंगा। देखने में काफी खूबसूरत, उसने गहरे लाल रंग का सूट पहन रखा था, आंखों में काजल, होठों पे लाल लिपस्टिक, घुंघराले सुनहले बाल, हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, और उसके होठों के पास बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।